द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली इज 88.80 रुपीज़। वॉट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 1 whole 2/3 ईयर एट द सेम रेट। मतलब बोल रहा है कि एक साल और आधा साल के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज किसी राशि का 10% के हिसाब से, दोनों का अंतर जो आता है एक साल और आधा साल के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, वो है 88.80 रुपये। अगर उसी राशि को उसी ब्याज पे, यानी कि 10% के ब्याज पे ही इतना साल के लिए 1.2/3 साल के लिए साधारण ब्याज करते हैं तो कितना रेट कितना आता है, कितना वो मतलब उसका ब्याज कितना आएगा, मतलब साधारण ब्याज कितना आएगा। ठीक है, ऐसा कि पता है कि सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का फॉर्मूला होता है पी इंटू वो 1+R/100 n-1, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि साधारण ब्याज, मतलब सॉरी यहाँ पे मूलधन, ये हो गया ब्याज, n मतलब ये समय कितना साल के लिए है, माइनस वन का दो ब्रैकेट में और p बाहर रहेगा। अगर आधा साल मतलब 6 महीने के हिसाब से देखें तो एक साल में 2 बार 6-6 महीना होता है, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो जाएगा और एक साल के लिए यहाँ पर n का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब देखिए आधा साल और एक साल का माइनस करेंगे तो 80 रुपये या लिखा है, मतलब एक आधा साल के हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज है और एक साल के हिसाब से जो चक्रवृद्धि है, दोनों का घटाएंगे तो 80 रुपये का अंतर आता है, 88.80 रुपये का अंतर आता है। तो एक साल के ये आधा साल के लिए है, मतलब 6-6 महीने के हिसाब से लग रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, यानी कि ये 10% पर एनम लिखा हुआ है, यानी कि एक साल में 10% लग रहा है, लेकिन ये बोल रहा है आधा साल में, तो यानी कि इंटरेस्ट एक पर एनम मतलब एक साल का दिया, इसको आधा कर देंगे तो 5 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है फार्मूला 1+R/2 × 100, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है आधा साल के लिए, तो ये 5 हो जाएगा और ये, और यहाँ पे एक साल है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब चूँकि ये 6-6 महीने पे ब्याज ले रहा है और तो एक साल में 2 बार 6 महीने होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और दोनों का अंतर इतना लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा पी, यानी कि पी का वैल्यू यहाँ पे ये निकल जाएगा, इसको आप चाहे तो अपना गुना भाग कर सकते हैं, यहाँ पे पी आ गया। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है s=p×r/t/100। पी का वैल्यू ये जो पूरा वैल्यू दिया हुआ है 0 0 कैंसिल, यानी कि 888 888 ये हो गया 888 × 40। आर कितना है और टी कितना है, तो यहाँ पे टी हम पुट करेंगे, ये वाला टी दिया हुआ है 1 whole 2/3, यानी कि 3 × 1 3 3+2 5, यानी कि 5/3 साल। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 साल और ब्याज का वो दिया हुआ है राशि थी, ये रेट दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे हो गया 10%। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा, इसको 3 से 1 काट दें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा इतना, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साधारण हो जाता है 5920 रुपये। धन्यवाद।